और जबकि चिंटू ने कभी खेसारी के बारे में गलत नहीं बोला आज तक। आप कहीं सोशल मीडिया पर देखिए खेसारी को, मैंने मेरी फिल्म में लेकर, अगर मेरा लगाव नहीं होता खेसारी से तो मैं क्यों लेकर आता नागिन में, मैं क्यों उनके ऊपर पैसे लगाता। कोनो सोल्यूशन काहे नहीं लाते, काहे नहीं इन दो लोगों को मिलवा देते हैं, या नहीं चाहते आप ऐसा? देखिए हर कॉन्सेप्ट में चिंटू सेट नहीं हो सकते, हर कॉन्सेप्ट में खेसारी सेट नहीं हो सकते, हर कॉन्सेप्ट में पवन सिंह सेट नहीं हो सकते, हर कॉन्सेप्ट में दिनेश लाल यादव सेट नहीं हो सकते। कि जिस तरह से खेसारी को भी प्रेजेंट किया जाता है, खेसारी वैसा नहीं दिल का, वैसे नहीं। हाँ वो मैंने भी महसूस किया है। भैया लोग हर हर महादेव, हम है धर्म और हमारा ये लिट्टी जो है ना वो है बहुत गरम, और हमको ना कोनो बात की बिल्कुल भी नहीं है शर्म। आज पता है हमारे पास कौन आए हमारा लिट्टी खाने के लिए? भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बढ़िया वाले निर्माता, बहुत बड़े वाले प्रोड्यूसर, मिस्टर राजकुमार पांडे साहब का। आइए मिलिए, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बताइए आप धर्म। अरे सर आपको जब भी देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। हम सोचे कि आज जो है लिट्टी आपको खिला दें और आपके अंदर वाली जो बात है फटाफट ऐसे बाहर निकाल दें। आपका ये जो लिट्टी है ना जी, इसको हम बहुत दिनों से देख रहे थे जी, तो हमको लगा कि आप जो है ये लिट्टी घर घर जाके लोगों को पकड़ के खिला रहे हैं जी, तो क्यों ना हम खुद ही आके खा लें। तो, क्या बात है सर, तो देरी किस बात की है, चलिए ना शुरू करिए। यस, और ये बताइए सर कि लिट्टी जो है कितना महत्व रखती है आपकी लाइफ में? अरे बहुत, आप अगर पटना चले जाएं, बिहार चले जाएं, तो इसके बगैर आप लौट के आ रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़ी बात वहाँ से मिस करके आ रहे हैं और छोड़ के आ रहे हैं। क्या बात है, लिट्टी चोखा में तो हर आदमी का जान मस्ता है। हाँ ये बात सही है, कैसा लगा? है तो टेस्टी। अरे बहुत मेहनत से बनाते हैं, एकदम मसाला मसाला डाल, मिर्ची खाते हैं तो बात थोड़ा वाला अच्छा सही रहेगा। मिर्ची खा रहे हैं सर, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यही लगेगी ना? अच्छा तू ही हमेशा खाते हैं मिर्ची यार, कहाँ इतना ऐसा तीखा तीखा बोल देते हैं सबको, बहुत एकदम जल जाता है भाई, कुछ भी बोलते हैं तो सारा भोजपुरी में ऐसे खलबली मच जाता है, आपकी बात कोई हजम ही नहीं कर पाता है, ऐसा कहाँ है? मिर्ची कभी जलने वाली बात नहीं बोलते हैं, ये बात और है कि जो बात सत्य है वो बोलता हूँ और सत्य जगह जाके लग जाती है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा साहब ये बताइए कि जब भी चिंटू जी की बात आती है और गूगल में जब सर्च वर्च होता है, बहुत बड़ा विवाद जो है उनका देखा जाता है भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ में, हमेशा ही एक दूसरे को ये नहीं देखना चाह रहे हैं और एक दूसरे पे कमेंट भी करते रहते हैं जब भी मीडिया पहुँच जाती है, आप कैसे देखते हो इस मसले को, आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है जितना प्रेजेंट किया जा रहा है उतना है नहीं ना। कभी देखिए कभी बातों बातों में अगर कोई बोला होगा, खेसारी ने बोला हो, हाँ एक दो बार खेसारी ने बोला है और स्टार्ट खेसारी ने किया था उन बातों से कि जब उन्होंने शुरू की उस तरह की बातें जब उन्होंने बोली और उसके बाद उसका तूल हो गया, तो डेफिनेटली अगर आप कोई बात उन्होंने कहा कि भाई हमने मजाक में बोला था, तो जब बोला तो उसका रिएक्शन कहीं छोटे, जबकि चिंटू ने कभी खेसारी के बारे में गलत नहीं बोला आज तक। आप कहीं सोशल मीडिया पर देखिए जहाँ कभी खेसारी का नाम लेके कुछ चिंटू ने बोला हो, कभी नहीं बोला हुआ है, और हमको पसंद भी नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि साथ में काम करना है। खेसारी को मैंने मेरी फिल्म में लेकर, अगर मेरा लगाव नहीं होता खेसारी से तो मैं क्यों लेकर आता नागिन में, मैं क्यों उनके ऊपर पैसे लगाता, खून भरी मांग में क्यों दे रहा, मेरी कोई मजबूरी थोड़ी थी कि उनको पिक्चर भी बनाऊँ, लेकर हीरो को पिक्चर बनाओ, लेकिन मैंने बनाया, मैं सबके साथ, मेरे लिए सभी उतने प्रिय हैं, हर एक्टर मेरे लिए उतने प्रिय है, चाहे वो दिनेश लाल हो, पवन सिंह हो, रवि किशन जी हो, मनोज तिवारी जी हो, या अभी दूसरे नए लड़के हमारे हैं वो सब हों सबके साथ। नहीं महाराज, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने दुनिया देखी है, कई हीरो देखे हैं, कहानियाँ देखी हैं, कोनो सोल्यूशन काहे नहीं लाते, काहे नहीं इन दो लोगों को मिलवा देते हैं, या नहीं चाहते आप ऐसा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसा विवाद रहे ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूँ। देखिए जब एक हीरो होता है ना, उसके हीरो उतना रिएक्ट नहीं करता है जितना उसके सराउंडिंग में रहने वाले लोग उस बात की खिचड़ी बना लेते हैं, वो खिचड़ी बनाएंगे, 10 बातें बनाएंगे, वो 10 बात करते हैं कि फलानी जगह ऐसा होता है। क्या होता है, अगर आप एक पेड़ के पास भी रोज़ चले जाओ ना और रोज़ अपना दुखड़ा रोना पेड़ के पास शुरू कर दो, हरा भरा पेड़ होगा, वो पेड़ भी सूख जाएगा एक दिन जी, दुखड़ा सुनते सुनते। तो इंसान है, अगर आप कल को चिंटू के पास भी बार बार लोग बोलते रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर आदमी को लेकर, या खेसारी को लेकर ही, या किसी को लेकर भी, तो उनको भी लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
अच्छा ये बताइए कि कैसे संबंध है अभी खेसारी जी के साथ आपके, कैसे संबंध? देखिए हमारे संबंध हमेशा अच्छे सबके साथ रहे हैं। हाँ सिनेमा मुझे लगा नहीं खून भरी मांग के बाद कि मैं बनाऊं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाया नहीं, तो मैंने कभी खेसारी को नहीं बोला कि तुम मेरी पिक्चर करो, आज तक नहीं बोला मैंने कि मेरी पिक्चर में तुम काम करो। अगर कोई इस तरह की बातें बोल रहा हो कि राजकुमार जी ने बोला है और खेसारी ने पिक्चर नहीं किया इसलिए राजकुमार जी गुस्से में, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने कोई पिक्चर के लिए खेसारी को बोला नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ क्लियर, मैंने कभी नहीं बोला खेसारी को। नागिन में हमने बोला था, नागिन में खेसारी ने हमको बोला गुरुदेव हमको लेकर कोई पिक्चर नहीं करेंगे, मैंने कहा यही पिक्चर कर लो, तो खेसारी ने डेट निकाला, मैंने खेसारी को पैसा दिया, उसका पेमेंट दिया खेसारी को, जो जो रेमुनेशन के वो हकदार थे उनको दिया गया, एक अच्छी पिक्चर बनाई, पिक्चर सुपरहिट हुई। उसके बाद हमको लगा ही नहीं कि कोई उस कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, क्योंकि जैसे खेसारी लाल के अंदर भी है देहाती या जो वाकई जिसके अंदर भिनाव हो भोजपुरी का, वो उस बात से उनको बहुत सी पकड़ है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो बिल्कुल थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़ा अगर वैसी कोई फिल्म मुझे बनानी होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा आगे। अच्छा अच्छा, एक बहुत बड़ी फरमाइश है हमारी भी और जो है खेसारी भैया के भी जो है फैंस की फरमाइश और चिंटू भैया के भी फैंस की फरमाइश, अगर आपको चिंटू और खेसारी दोनों जनों को साथ में लेकर के एक फिल्म बनानी हो तो क्या सोच है आपकी? देखिए क्यों नहीं बनाऊंगा, मैं एक व्यवसायिक आदमी हूँ, सिनेमा बनाना मेरा प्रोफेशन है। ये थोड़ी जब आप किसी चीज़ का काम कर रहे होते हैं तो ये गलत सोच है लोगों की कि इसको नहीं लेकर इसको लेकर। देखिए हर कॉन्सेप्ट में चिंटू सेट नहीं हो सकते, हर कॉन्सेप्ट में खेसारी सेट नहीं हो सकते, हर कॉन्सेप्ट में पवन सिंह सेट नहीं हो सकते, हर कॉन्सेप्ट में दिनेश लाल यादव सेट नहीं हो सकते। सब अपने अपने लेवल के खूबसूरत एक्टर हैं, बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं, हर आदमी की पर्सनालिटी अपनी है, हर आदमी का एक्टिंग करने का स्टाइल अलग है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, बातचीत करने का तरीका अलग है। अगर उनके लायक कोई फिल्म बनानी होगी, जैसे मुझे कोई मेच्योर ड्रामा बनाना हो, परिवार को बांधना हो, प्रेजेंट करना हो, तो मैं डेफिनेटली दिनेश लाल यादव को लेकर आऊँगा। अगर मुझे कहीं लगता है कि चीर दूंगा फाड़ दूंगा टाइप का कुछ करना होगा तो मैं पवन सिंह को बोलूँगा। अगर मुझे लगता है कि कोई मुझे घर परिवार कॉमिक और पूरी तरह से जिसमें कॉमेडी हो मसाला हो मस्ती हो तो मैं ज़रूर खेसारी को बोलूँगा। अगर मुझे लगेगा मैं कॉलेज बॉय लव स्टोरी लवर और या कोई इस तरह का डिसेंट सिनेमा उस तरह का बनानी होगी जिसमें एक लड़का पोर्ट्रे कर रहा हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो इस तरह का, तो मैं डेफिनेटली चिंटू को बोलूँगा। तो सबके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स भी हैं, देखिए एक्टर कैन डू एनीथिंग, मैं वही बोल रहा हूँ फिर, इसीलिए मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि आप सीख लो हर बात, आप कुछ भी आपको करना पड़ेगा। सिर्फ कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है या सिर्फ वर्दी पहनने से पुलिस नहीं बन जाना होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप बनाएंगे? क्यों नहीं बनाऊंगा, मैं सबके साथ, मैं चारों के साथ बनाऊंगा, चारों नहीं, हम फिलहाल सिर्फ चिंटू जी और खेसारी। हाँ बिल्कुल बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, दोनों को बड़े भाई छोटा भाई बना के पेश, क्यों बनाएगा, एकता की मिसाल दिखाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो दोस्त हो परिवार हो कुछ भी बना, क्यों नहीं बनाएंगे। बिल्कुल भैया, तो ऐसा है कि राज सर ने जो है बहुत अच्छी वाली बात, और बताऊ मैं भी जानता हूँ कि जिस तरह से खेसारी को भी प्रेजेंट किया जाता है, खेसारी वैसा नहीं है दिल का, वैसे नहीं, हाँ वो मैंने भी महसूस किया है, खेसारी को लोगों ने जानबूझ के टारगेट करके ऐसा करवा दिया है, उससे ज्यादा मन के दूसरे लोग गंदे हैं, वो कई बार क्या है वो हड़बड़ा के बोल जाता है, दूसरे लोग मन में रखते हैं, तो जैसे मैं हूँ मैं बोल जाता हूँ, तो जब बोल जाएंगे तो सब सुन लिए, और जिसने बोला ही नहीं वो तो अंदर अंदर काट रहे हैं। तो आदमी कहता ना भैया कि बाहर का बोल जाना वाला तो समझ में आ गया, जो मन ही मन काटे वो तो पता नहीं कितना काटेगा पता नहीं चले। तो भैया के इस महत्वपूर्ण बात के साथ जो है लिट्टी चोखा का समापन फिलहाल हम सब का यहाँ पे कर रहे हैं भैया, लेकिन बहुत ज्यादा आपके साथ मजा आया है, और इनसे आपके कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि भैया के जवाब जो है आप तक पहुंचा दें। वैसे इनको भी इतना मत करिए ये लोग, ये जो है पूछते हैं लोगों से, और सुनिए सुनेंगे तब पता चलेगा। समापन करें फिर, यस देखते रहें हिंदी रश, बने रहें हमारे साथ, नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।